क्या है भाई, देखो आज शुरू करते हैं भैया टूर्नामेंट, ठीक है। जैसे कल बताया था, कल से आगे क्या होता है शुरू, जैसे है 1 + sin θ / 1 - sin θ। इसको जो है सोल्व करना है, इसको क्या है, इसको सोल्व करना है। सोल्व किसको करते हैं इसके, देखो जैसे नंबर ये ऊपर है ऐसे ही नीचे है, कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या देगा, 1 + sin θ / 1 - sin θ का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, a + ba - b, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या जाएगा, ये 1 + sin θ / 1 - sin² θ क्या आ जाएगा, 4² θ। ये क्या आ गया, 1 + sin θ / 4θ = 1 cos θ / sin θ, 1 cos θ क्या आएगा, sec θ / sin θ / cos θ क्या आएगा, ये tan क्या आ गया, sec θ + tan θ आ गया। क्या आ गया, sec θ + tan θ क्या आया। अगर कहीं भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जाते, 1 + tan θ / 1 - sin θ इस तरह, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ax × x, x² a + ba - b क्या गया, a² - b² फिर जो है इसका स्क्वायर ही आ जाएगा, ये 1 - sin² θ क्या आ जाएगा, cos² θ। इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसके अलग अलग कर दिया, आ गया 1 cos θ / sec θ / sin θ / cos θ = tan θ, ठीक है भाई। अब देखो, अब आगे क्या करते हैं, एक और जैसे जैसे अब क्या है, जैसे कल है, जैसे जैसे यहां है साइन और tan for sec ये आ गया cosec। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, जैसे 0, 30, 45, 60 और ये 90। इससे वैल्यू निकाल सकते हैं कि वैल्यू एक लाइन याद कर लो, सारी जो है अपने आप में रिपीट हो जाते हैं। जैसे इसको कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 0 sin को 0/4, इसे 1/4, इसे 2/4, इसे 3/4, इसे 4/4। इसका क्या करते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट, फिर इसका भी स्क्वायर रूट। 0/4, 0/4 कितना आ जाएगा, 0, 1/4 कितना आ जाएगा, 1/2, 1/4 कितना आ जाएगा, 1/2, 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2, 1 का 1 आएगा, 1/√2, 1/√2, 3/4 कितना आ जाएगा, 3/√3, 4 का 2, 4/4 का क्या आ जाएगा, ये 1/1, 4/4 का क्या आ जाएगा, ये 1/1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी 0/4 की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। क्या आ गई इसकी वैल्यू, 0। 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, 2/4 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 ये रही, और 4/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 क्या आ जाएगी, ये 1। तो 1 से क्या आ जाएगा, फिर यहाँ 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 जाएगा। tan क्या आ जाएगा, sin/cos, tan क्या आएगा, sin/cos, 0/1 क्या जाएगा, 0 जाएगा, 1/√3, 1 इससे इसको डिवाइड करें √3,
upon 0 क्या आता है इनफिनिट नॉट डिफाइंड, क्या कहता है नॉट नॉट डिफाइंड। ये टेन क्या होता है कोर्ट इधर से शुरू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या आएगा नॉट डिफाइंड। इक्वल टू रूट थ्री, वन का वन, वन अपॉन रूट थ्री का वन अपॉन रूट थ्री, नॉट डिफाइंड का क्या आता है मतलब ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय यानी एक्स जो है जीरो, यानी क्या आएगा इसका रिवर्स क्या जाएगा जीरो अपॉन एक्स के ना जीरो कितना जाएगा, ये कितना जाएगा जीरो। अब इसी तरह हम जो है sec का और cosec का भी निकाल सकते हैं, sec के आगे इसका उल्टा cos का और sin का क्या जाएगा इसका उल्टा है, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी टेबल है, ये इसकी क्या है टेबल। अच्छा अब अगर अगर हमें जो है वैसे निकालनी हो वैल्यू किसी की क्या थी, जैसे मतलब जैसे 90 से बढ़ेगी वैल्यू, 90 से बढ़ेगी वैल्यू निकालने किससे निकाल सकते हैं, इससे फॉर्मूला है याद कर लेना क्या है, क्या है फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला है ये फाइव बाई टू मल्टीप्लाई ऑड मल्टीपल फाइव बाई टू मल्टीप्लाई ऑड मल्टीपल। अगर ऐसा है तो क्या होता है साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कोट में और सेक कोसेक, साइन कोस में हो जाएगा टेन कोट में हो जाएगा और सेक कोसेक में। अगर फाइव बाई टू मल्टीप्लाई इवन मल्टीपल हो, फाइव बाई टू मल्टीप्लाई इवन मल्टीपल हो, अगर फाइव बाई टू क्या क्या है इवन मल्टीपल हो, फाइव बाई टू क्या है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सेम रहता है, फंक्शन क्या रहता है सेम रहता है, फंक्शन क्या होता है सेम रहता है और साइन ऐसा रहेगा जैसे ओरिजिनल फंक्शन हो। साइन कैसा रहता है, साइन एज, साइन कैसा रहेगा एज ओरिजिनल फंक्शन, साइन कैसे रहता है साइन रहेगा ओरिजिनल फंक्शन के, जैसे साइन जो है ओरिजिनल फंक्शन की तरह रहेगा, जैसे साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है साइन 150 क्या आ जाएगा इक्वल टू साइन 90 प्लस 1 मल्टीप्लाई 60 क्या जाएगा साइन 90 प्लस मल्टीप्लाई 60 यही कह दो इसको 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 60 90 का मल्टीप्लाई पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू तो कह सकते हैं, चलो ठीक है 90 का मतलब क्या होता है पाई बाई टू, कैसा है इसका मल्टीपल ओड मल्टीपल है, कैसा मल्टीपल है ये ओड, ओड मल्टीपल है तो साइन क्या है कन्वर्ट हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा क्या इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा, क्या क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस। अब क्या करते हैं जैसे ये जैसे क्वाड्रेंट है यहाँ कितना था 0 90 180 270 ये क्या था 360। इसमें देखते हैं कि इसमें जो है ये साइन कहाँ है, साइन 150 कहाँ आएगा, ये आएगा साइन 150 तो ओल आता है, ये साइन आता है, ये टेन आता है, ये कोट आता है, ओल स्कूल टू कॉलेज कल बताया था। तो इसमें साइन कौन से मारा 90 टू 180 साइन आता है, साइन कैसा होता है इसके अंदर साइन होता है पॉजिटिवली, साइन कैसा होता है इसके अंदर पॉजिटिवली साइन होता है, साइन कैसा होता है पॉजिटिवली साइन होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, पॉजिटिव होता है दूसरे आएगा 90 टू 180
50 इसके अंदर आएगा, इसके अंदर कैसा साइन होता है, प्लस का होता है, तो साइन cos 50 इज इक्वल टू हाफ, cos 50 इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ, ठीक है। अच्छा अब अगर एक और क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में कहता है ये देखो, इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इसको किस तरह कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस थीटा क्या इक्वल होता है, साइन थीटा, साइन 30, वो साइन क्या बदलेगा, साइन क्या बदलेगा, ये इवन है, इवन अगर मल्टीपल हो तो फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन 30, ये इवन है ना, ये यहाँ क्या था, ये ओड था, ये क्या था, ये ओड था, ये क्या है, इवन, इवन रहता है, एज इट इज रहता है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, साइन वही रहेगा, साइन 150 जो कि एज इट इज इसमें है, तो इसमें हम क्या, हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कहीं बाई चांस ये निकालनी हो मुझे वैल्यू, कॉस माइनस कॉस किसकी वैल्यू निकालनी है, मान ले वैल्यू निकालनी है मुझे कॉस माइनस 210, कॉस माइनस 210, इसमें देखते हैं कॉस माइनस 210 कितना है, कौन से इसमें है, ये क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस को होता है माइनस, हाँ कॉस माइनस 210, 210 कहाँ से कहाँ तक है, तो कोस माइनस 210 को, तो कोस माइनस थीटा क्या इक्वल होता है, पहले फॉर्मूला पढ़ा था, कोस माइनस थीटा क्या इक्वल होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या इक्वल होता है, कोस थीटा इक्वल होता है, तो कोस माइनस 210 की वैल्यू क्या है, कोस 210 क्या आएगी, कोस 210, कोस 210 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 210, कोस 210 की वैल्यू इसके क्या आ जाएगी, कोस 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30, कोस 290 प्लस 30 क्या आ जाएगा, ये इवन है, इवन है तो कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस 30 क्या आ जाएगा, ये cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। अच्छा ये कहम है, ये 210 कहाँ है, यहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में आया, 180 270 कौन से में आया, थर्ड में आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस, तो cos, इस तरह हम देख सकते हैं किसी की भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है उसकी भी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई
यस और इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कोस थीटा एंड sec theta minus cos theta equal to n. तो क्या है, एलिमिनेट द थीटा. इसका क्या करना है, ये क्वेश्चन है, क्या है, cosec theta minus sin theta equal to m, sec theta minus cos theta equal to n. इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है. क्या करना है इसको, थीटा को एलिमिनेट, एलिमिनेट द थीटा. हाँ भाई, थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है. थीटा को एलिमिनेट किसका करते हैं इसमें, देखो जैसे गिवन है, ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, ये क्या है, वन अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम. ये आ गया, ठीक है. एक क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एम. कोसेक सेक थीटा क्या आएगा, वन अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एन, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू एन, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू एन. या ठीक है भाई, या अब क्या करता हूँ मैं इसमें, अब इसमें जो है यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, कोस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन, कोस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन, कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन. अच्छा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मैं पुट करूँ यहाँ से, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एन. तो यहाँ से ऐसा कर लेता हूँ मैं, यहाँ से जो है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कोस की पावर क्या जाएगी, यहाँ यहाँ से इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, क्या रख जाएगी, कोस की पावर फोर थीटा, कोस की पावर फोर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एन, यहाँ से क्या आएगी, कोस स्क्वायर यानी साइन पावर फोर थीटा अपॉन एम का स्क्वायर इंटू कोस थीटा इक्वल टू एन, तो क्या आएगा, कोस टू थीटा अपॉन एम का स्क्वायर इक्वल टू एन, एन इक्वल टू कोस क्यू थीटा अपॉन एम, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस क्यू थीटा इक्वल टू एन एम स्क्वायर, कोस थीटा इक्वल टू एन एम का स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री. कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एन एम का स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री. अच्छा, ये आ गई. अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, कोस थीटा की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, कोस थीटा की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, ये यहाँ यहाँ पुट कर दो, कोस थीटा की वैल्यू कहाँ कर दो, इसे कोस थीटा की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ये
साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एम। तो यहाँ से क्या आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बाई फर्स्ट आ गई यहाँ रख दी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एन एम का स्क्वायर की पावर 2/3 एन एम का स्क्वायर 2/3 अपॉन एम। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन की पावर टू बाई थ्री एम की पावर 4/3 अपॉन एम। यह आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, ये एम की पावर 2/3 एम की पावर 1/3 अपॉन ये अगर एन का स्क्वायर एम की पावर 1/3 इसमें लिख सकता हूँ एन का स्क्वायर एम की पावर 1/3 ये कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई और साइन थीटा की वैल्यू आ गई। मान लिया ये थर्ड है, ये क्या आ गई फोर्थ, ये कौन सी है मान लिया ये फर्स्ट है, ये क्या आ गई सेकेंड, इसकी वैल्यू मान लिया ए आ जाएगी, ये इसकी क्या रखेंगे इसकी वैल्यू है बी। लेकिन बाई बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों को क्या कर लेंगे, थर्ड एंड फोर्थ को इनका स्क्वायर, इनका क्या कर लेंगे स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, इसका क्या स्क्वायर क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, एन एम का स्क्वायर की पावर 4/3 क्या आएगा, एन एम का स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, एन एम का स्क्वायर की पावर 1/3 क्या आएगा, एन एम का स्क्वायर क्या 1/3 इसका क्या आएगा, एम एन का स्क्वायर की पावर 1/3 की पावर 2/3 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हो गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, ये हो गई 1, तो क्या आ गया 1 क्या आ गया, एन एम का स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस एम एन का स्क्वायर की पावर 2/3 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हैं ये अगर इसको ये इक्वेशन दे रखी है, अगर थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, एन एम का स्क्वायर 2/3 प्लस एम एन का स्क्वायर इक्वल की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमेशा 1 आ जाएगी। देखो एक क्वेश्चन है कि यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री में किस तरह होता है, जैसे क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एन ए इक्वेटेड ट्राइंगल क्या है, द सर्कमफेरेंस द
द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल सर्कमस्क्रैम्बिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 पाई यूनिट। ये जो इसका सर्किल का सर्कमफेरेंस है कितना है वो 24 पाई यूनिट है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना है 24 पाई। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 24 पाई। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ ए फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो ये रेडियस है इसका, मान ले ये रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल कितना जाएगा, ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको हाफ कर दे कितना जाएगा, ये 30 डिग्री जाएगा, कितना जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितना होता है एक एंगल 60, तो इसको जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है तो कितना जाएगा ये 30 आ जाएगा, कितना जाएगा ये 30 आ जाएगा। और मान लिया इसकी जो ये सर्कमफेरेंस की जो रेडियस है ये है आर, ये क्या है आर, क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल सर्कमस्क्रैम्बिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 पाई। इसका क्या है 24 पाई है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इसके अंदर है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो ये इसका है इसका एरिया निकालना, क्या निकालना है इसका सर्कल का एरिया निकालना। मान लिया ये यहाँ तक कि यहाँ जो सर्कमफेरेंस की रेडियस कितनी है आर, और जो इसके अंदर जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, और इसका जो सर्कमफेरेंस है दे रखा कितना दे रखा 24 पाई, क्या दे रखा 24 पाई। तो इसका क्या आ गया फॉर्मूला 2πr इक्वल टू 24 पाई, इस पाई से पाई आर इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12। आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। और देखो जब ये कैसा आ गया, ये अभी कल ही बताया था ये क्रिएट ट्राइंगल है, इसमें साइन 30 कितना आ जाएगा, साइन 30 इक्वल टू इसके लिए ये आर अपॉन यानी स्मॉल आर अपॉन आर, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इक्वल आर, आर की वैल्यू निकालनी है इसकी, बड़े आर की वैल्यू कितनी है 12, तो आर इक्वल टू 12 अपॉन 2 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखो द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना है 24 पाई, 2πr = 24π, 2r = 24/2 r = 12। साइन 30 इक्वल टू देखो क्या है कि एक सर्कल है, एक जो है ये ट्राइंगल है ए, इसका जो सर्कमफेरेंस है इसका ये इसका सर्कमफेरेंस है गिवन है, इसका सर्कमफेरेंस इतना गिवन है 24π, ठीक अच्छा। और फिर इसके एक जो सर्कल के जो अंदर होगा, ये सर्कल के अंदर होगा, इसका क्या निकालना है, इसकी रेडियस निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है रेडियस। मान लिया ये सर्किल का जो है सेंटर है, इस सेंटर से इसकी रेडियस बड़ी कितनी है बड़ा आर, कैपिटल आर है, छोटी की कितनी है रेडियस आर है, अच्छा जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये सारा एंगल कितना जाएगा, सेंटर से इसको यू क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा ये कैसी ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल ओ ए बी, कैसी ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल क्या है ये, क्योंकि इस सेंटर से इसको जो है ये क्या करते हैं, इस पर जो लाइन खींच जाती है क्या होती है, हमेशा क्या होती है वो
कोड पे क्या होती है वो सर्किल के सेंटर पे कोड पे एक लाइन खींची जाए उसकी क्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम जो है परपेंडिकुलर होगी ए बी होगी। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी होगी। तो टू आर इज साइन थर्टी इज इक्वल टू आर बाई अपोन आर। वन बाई टू इज इक्वल टू आर अपॉन ट्वेल्व। टू आर इज इक्वल टू ट्वेल्व आर इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन टू आर इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर। तो अब ओ एम इज इक्वल टू जब ये परपेंडिकुलर हो गया ये राइट ट्राइंगल होगा ओन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी। तो साइन थर्टी की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई आर अपॉन साइन थर्टी क्या होता है क्या होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आर परपेंडिकुलर कितना है इसके एंगल के लिए ये आर के सामने की भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज आई आर अपॉन आर। इस कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ रखी तो आर इक्वल टू कितना आ गया सिक्स सेंटीमीटर। अच्छा देखो एक और है भाई जैसे एक और है अगर मान लिया एक सवाल है क्वेश्चन है थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा इक्वल टू फाइव। क्या है थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा इक्वल टू फाइव। थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा इक्वल टू फाइव एंड शो दैट फाइव कोस थीटा शो दैट फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस थ्री ये इसका शो करना है। मेरे पास में दूंगा जवाब आप क्या है थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा इज इक्वल टू फाइव फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री है। क्या है इसकी वैल्यू प्लस माइनस थ्री है। अच्छा लेट मान लिया इसकी वैल्यू है फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा इज इक्वल टू कितनी है इस वैल्यू मान लिया लेट उसकी वैल्यू कितनी है एक्स। लेट फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स इसकी वैल्यू क्या है एक्स है। देन अच्छा भाई अगर मैं इसको मान ले तो फर्स्ट है ये क्या है मान ले सेकंड इसका फर्स्ट का इक्वेशन इसका स्क्वायर कर दूँ स्क्वायर क्या जाएगा इसका स्क्वायर थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर ये क्या गया नाइन का नाइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वेंटी फाइव कोस स्क्वायर थीटा प्लस फिफ्टी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू ट्वेंटी फाइव क्या गया नाइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। अच्छा अब इसका स्क्वायर करके क्या आ जाएगा स्क्वायर इसका सेकंड का स्क्वायर बाई सेकंड बाई ये क्या आएगा फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी तो ए का स्क्वायर क्या आएगा फाइव का स्क्वायर
25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 30 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये मान लिया थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई। अब क्या करेंगे, बाय द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या लिखेंगे, बाय द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ये है, बाय द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब इन्हें तो क्या करें, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 9 ये आ गया। 9 क्या देगा, ये 30 आएगा, क्या आ गया, ये भी 30, ये प्लस के 30 साइन थीटा कोस थीटा ये जा गया, ये आ जाएगा इक्वल टू एक्स का। ये कितना आ गया, 24 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू मल्टीप्लाई 25 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 25 इस 25 से ये 25 जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3 आ जाएगी। देखो क्या सवाल है, ये ईजी सवाल है, ये क्या क्वेश्चन है, ये है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू 5, ये क्या 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3, इसकी वैल्यू है प्लस माइनस 3 है इसकी वैल्यू, तो शो इसकी वैल्यू शो करनी है, देन शो दैट इसकी वैल्यू इस तरह रिप्रेजेंट करनी है, इस तरह करनी है इस तरह। तो क्या आ गया, 5 मान लिया, लेट दिस वैल्यू इज 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू एक्स, ये सेकंड इक्वेशन मान लिया, क्या मान ली फर्स्ट, इसका फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक फर्स्ट का स्क्वायर करके ये आ गया। सिमिलरली अब मैंने जो है सेकेंड का स्क्वायर करा, सेकेंड का स्क्वायर करके क्या आ गया, ये आ गया। अब दोनों को थर्ड एंड फोर्थ में क्या कर लिया मैंने, एडिशन कर लिया, थर्ड एंड फोर्थ क्या कर लिया, ऐड कर लिया, थर्ड एंड फोर्थ ऐड कर लिया, क्या आ गया 25 प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स इक्वल टू 9 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया, क्या आ गया एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 3। अब है
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बाय फॉर्मूले को, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, या कोस अल्फा प्लस बीटा का, ये क्या आ जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा का क्या आ जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इनका जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे दिखाना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह दिखाते हैं इनका, तो ये कोई एंगल है, ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो क्या बना गया, कोस अल्फा कोस बीटा, ये क्या बना रहा है कोस अल्फा कोस बीटा, ये क्या बना रहा है साइन अल्फा कोस बीटा, ये क्या होना, ये क्या, अच्छा ये आ गया, ये कोस अल्फा जाएगा यहाँ तक, क्या आ जाएगा इसका, इसका ज्योमेट्रिकल वो क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल कोस पेंड कोस अल्फा किया जाएगा इसका। अब क्या करता है इसमें, ये फिर एक और ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है बीटा है, ये एंगल कितना है इसका बीटा है, तो ये भी एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, कितने का 90 डिग्री का एंगल है जी। इसको और इसको मिला दिया मैंने, ठीक इसको मैंने इसको इसको मिला दिया, ये तो अच्छा, ये एंगल कितना जाएगा भाई, ठीक है ये एंगल कितना जाएगा, ये आ जाएगा एंगल अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो इसके क्या आ जाएगा, ये कोस अल्फा कोस बीटा, इसका ये हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा, ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये इधर से साइन अल्फा कोस बीटा, ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, ये क्या आएगा कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, ये कोस अल्फा कोस बीटा, ये क्या आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, ये जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, साइन, ये इस तरह ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये किसका है, ये इन दोनों का जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा क्या के बोला जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये इसके ये और ये दोनों जो है इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह क्या है कोस अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या है कोस अल्फा प्लस बीटा कह के बोला जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा, मान ले कोस बीटा होगा भाई, ये इसी कोस अल्फा बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल हो जाएगा।
जिसका है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा मीन साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा बीटा। ये एंगल अल्फा प्लस बीटा ही है, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या कर देगा कोस अल्फा बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन साइन अल्फा प्लस बीटा का ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ एंड अदर डाटा, ये क्या है ग्राफ एंड अदर डाटा। इसका ग्राफ है, मान लिया एक है वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स है, वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स साइन एक्स है। इसका ग्राफ एंड डाटा क्या क्या बनता है, इसका y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स क्या होता है इसका भैया। इसका अगर डोमेन निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी डोमेन, डोमेन क्या आ जाएगी इसकी r आ जाएगी, डोमेन कितनी आ जाएगी इसकी r, रेंज कितनी आ जाएगी इसकी माइनस वन टू वन, रेंज कितनी आ जाएगी माइनस वन टू वन। पीरियड क्या आ जाएगा इसका, टू पाई। रेंज कितनी आ जाएगी इसकी, डोमेन कितना आ जाएगा इसका आर आ जाएगा, रेंज कितनी आ जाएगी माइनस वन टू वन आ जाएगा, पीरियड क्या आ जाएगा इसका टू पाई आ जाएगा। अगर इसकी साइन स्क्वायर एक्स, एक क्या है इसका साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स मोड इज इक्वल टू ये आ जाएगी जीरो टू वन, क्या आ जाएगी ये जीरो टू वन। और अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन जीरो है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एन पाई, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई, एन बिलोंग्स टू आई ठीक। और अगर साइन एक्स इक्वल टू वन हो, साइन एक्स इक्वल टू वन हो, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा फोर एन प्लस वन बाई फोर एन प्लस वन बाई टू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर एन प्लस वन पाई बाई, ये एक्स की वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू वन हो, एक्स इक्वल टू फोर एन प्लस वन बाई टू। और अब अगर x की वैल्यू माइनस वन है, x की वैल्यू फोर एन माइनस वन पाई बाई टू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी फोर एन माइनस वन पाई बाई टू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी फोर एन पाई बाई टू माइनस वन। और अगर अच्छा इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, अगर इसका ग्राफ खींचना हो तो इसका ग्राफ कैसा जाता है, इसका ग्राफ आ जाता है
जीरो क्या आएगा, ये जीरो पाई बाई टू पाई माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, कहाँ से कहाँ तक क्या है ये, ये माइनस पाई टू पाई माइनस ए, इस तरह का ये ग्राफ आ जाता है, इस तरह का ये ग्राफ आ जाता है, इस तरह क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस तरह का ये ग्राफ आ जाएगा। मान ली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इस तरह का ये ग्राफ आ जाता है। क्या है ग्राफ में भाई, मान लिया ग्राफ है ये वाई इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स है, डोमेन क्या है इसका आर रहता है, रेंज क्या आएगी माइनस टू वन, वन से वन तक की वैल्यू रहती है, पीरियड क्या होता है इसका, जो पीरियड कहता है वो जो टाइम बार बार रिपीट होता है, ये क्या है उसका पीरियड है, क्या है ये पीरियड। साइन स्क्वायर एक्स मोड साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से वहाँ तक, जीरो टू वन रहेगी, साइन एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एन पाई, जहाँ एन बिलोंग्स टू आई, आई एन की जगह, साइन एक्स की वैल्यू वन है तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू फोर एन प्लस वन पाई बाई टू, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन है एक्स इक्वल टू फोर एन माइनस वन पाई बाई टू, और इस तरह का ये ग्राफ आ जाता है। और एक और फॉर्मूला है इसमें, अगर कहीं मान लिया साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हो, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो, साइन अल्फा हो, तो क्या आ जाता है इसमें एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, इसकी हम जो है वैल्यू निकाल लेते ठीक है भाई, ये इसका साइन है। कल बताऊंगा इसके लिए कोस के पढ़ के लाना, कोस के टैन के और कोट, अब है ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स सेक एक्स, क्या है y इक्वल टू एफ एक्स सेक एक्स, इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका डोमेन याद करना है, डोमेन क्या होता है, डोमेन इक्वल टू आर माइनस, डोमेन क्या होता है आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई, रेंज अब क्या आती है इसकी रेंज, माइनस वन माइनस इन्फिनिटी टू वन माइनस इन्फिनिटी टू वन माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आती है, क्या इसकी ये इसकी रेंज आती है। और ये जो है एन जो है बिलोंग्स टू आई होता है, डोमेन इसकी आती है, रेंज ही आती है, पीरियड क्या होता है टू पाई पीरियड होता है इसमें टू पाई sec स्क्वायर एक्स और मोड sec एक्स, sec स्क्वायर एक्स मोड sec एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आती है बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी,
इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 टू इन्फिनिटी होती है। कितनी वैल्यू होती है, 1 टू इन्फिनिटी होती है। अगर इसका ग्राफ बनाना हो मुझे, जैसे जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई प्लस थ्री पाई बाई टू प्लस टू पाई प्लस पाई बाई टू, ये आ गया। ये आ गया तो क्या आ गया की वैल्यू, अब मान लिया यहाँ जो है वन तक है, ये वन, यहाँ भी नीचे माइनस वन रहेगा, ये वन है, नीचे भी क्या रहेगा, ये माइनस वन रहेगा। अब इसका क्या कहेंगे, इसके नीचे ग्राफ बनेगा, ये इनके बीच में क्या ग्राफ बन जाएगा, इनके बीच में इस तरह ग्राफ क्या बन जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, दोनों की लाइन को इस तरह का। ये मान ले ये एक्स हो गया, ये एक्स, ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। फिर इसी तरह थ्री पाई बाई टू और फाइव पाई बाई टू के बीच, थ्री पाई बाई टू और फाइव पाई बाई टू के बीच इस तरह बन जाएगा। फिर इस तरह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये थ्री पाई बाई टू और फाइव पाई बाई टू के बीच ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब इनके बीच, अब इसी तरह दो के बीच इनके किसके बीच, पाई बाई टू किसके बीच, माइनस पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच, ये ग्राफ जो है पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच ग्राफ कितना जाएगा, ये वाई इक्वल टू, देखो एफ एक्स एक्स है, इसका जो है डोमेन क्या आ गया आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, रेंज क्या आ गई माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई। पीरियड क्या आ गया इसका, टू पाई सेक स्क्वायर एक्स मोड सेक एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, ये इसका जो है ग्राफ आ जाएगा, ये इसका इसका क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोस एक्स, मान लो वाई इक्वल टू एफ एक्स कोस एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोस एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोस एक्स। डोमेन क्या आ गया इसका, आर माइनस एन पाई आर माइनस एन पाई, डोमेन कितना आ गया इसका, आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई, एन बिलोंग्स टू आई। रेंज क्या आ गया, माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन वन टू इनफिनिटी, ये आ गया रेंज आ गया। क्या आ गया इसकी, ये रेंज आ गई। पीरियड क्या आ गया इसका, टू पाई कोसेक स्क्वायर एक्स मोड कोसेक एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, ये आगे वन टू इन्फिनिटी, क्या आगे वन टू इन्फिनिटी। अगर इसका ग्राफ बनना जाए क्या आएगा इसका ग्राफ, माइनस माइनस पाई बाई टू जीरो जीरो अगर मान लीजिए यहाँ वन है ऊपर नीचे माइनस वन है। अब ग्राफ बनता है ये माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू के बीच, माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू के बीच, इस तरह का ये ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स कोसेक एक्स का, ये एक तरह का ये ग्राफ होता है। क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोसेक एक्स का ये ग्राफ होता है। ये ग्राफ कैसा होता है भैया, इसका डोमेन क्या होता है, आर माइनस एन पाई, आर माइनस के एन पाई होता है, एन बिलोंग्स टू क्या होता है, आई होता है। रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। पीरियड क्या होता है, टू पाई कोसेक स्क्वायर एक्स मोड कोसेक एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, वन टू इन्फिनिटी आता है।
ये वन इन्फिनिटी होता है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा माइनस पाई टू जीरो। ये इस तरह का सेम तरह का क्या है ग्राफ होता है, ये होता है कोसेक एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है आगे बढ़े। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट मान लिया कोई एक ग्राफ है y इक्वल टू, ग्राफ ड्रा करना है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, एक ग्राफ ड्रा करना है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन कैसा है, और ये एक y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, शिफ्ट करना है ये ग्राफ, क्या है शिफ्ट द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स ए यूनिट, क्या करना है ये ग्राफ करना है y इक्वल टू एफ एक्स ए ग्राफ का यूनिट करना है, एक यूनिट लेफ्ट अलोंग द एक्सिस, ए यूनिट लेफ्ट अलोंग एक्स। जैसे मान लिया ये कोई ग्राफ है, मान लिया क्या है ये कोई ग्राफ है, कैसा ग्राफ है ये, ये कोई ग्राफ है, जैसे कैसे ग्राफ है भैया, ऐसा ग्राफ है ये, मान लिया ये जीरो है, ये माइनस फाइव बाई टू है, ये पाई है, ये माइनस थ्री फाइव बाई टू है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है, ये माइनस फाइव बाई टू है, क्या है माइनस के फाइव बाई टू है। अब क्या आ गया ये,
होती है। ग्राफ कैसे आ जाएगा ये? इस तरह का ये ग्राफ आ जाएगा। ये मान लीजिए इस तरह का ये ग्राफ है वही पॉइंट है। इसकी शिफ्टिंग करनी है, इसकी वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए ए पर। मान लिया इसकी जो शिफ्ट है ए यूनिट लेफ्ट में करेंगे तो मान लिया कितना जाएगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन। एक यूनिट लेफ्ट में इसकी शिफ्टिंग कर देंगे, कैसी शिफ्टिंग कर देंगे इसकी, मान लिया यहाँ है एक एक यूनिट ऊपर, एक यूनिट इसके ऊपर ही है, एक यूनिट मान लिया इसका ये। तो क्या जाएगा ये y इक्वल टू मेरी शुरू हो जाएगा ये ये जो है ये ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस में जैसे शिफ्टिंग ऑफ, यानी एक यूनिट जो है लेफ्ट में जो है इसके जो है शिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म, दैट इज कॉल्ड टू द शिफ्टिंग ऑफ द। अगर मान लीजिए इसका शिफ्ट करना हो इसके, अगर वाई इक्वल टू एक कोई ग्राफ या एफ एक्स दिया हुआ, इसका शिफ्ट करना हो वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, ये तो वन यूनिट लेफ्ट में ग्राफ शिफ्ट हुआ है, इसमें क्या आ जाएगा वन यूनिट राइट में ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, इसके नीचे से ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह हम जो है किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कर देते हैं। ठीक नहीं, यानी कि अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, एक ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका क्या होगा एक यूनिट लेफ्ट में ट्रांसफॉर्म जो है ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए निकालना हो तो इसका जो है ग्राफ कितने शिफ्ट हो जाएगा, वन यूनिट जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है ये, साइन की पावर फोर अल्फा क्या है, साइन की पावर फोर अल्फा प्लस कोस की पावर फोर अल्फा कोस बीटा प्लस टू इक्वल टू फोर साइन अल्फा कोस बीटा, फोर साइन अल्फा साइन पावर फोर एल्फा प्लस कोस पावर फोर बीटा प्लस टू फोर साइन एल्फा कोस बीटा। जीरो की वैल्यू जो है एल्फा बीटा की वैल्यू जीरो टू फाइव बाई टू के बीच लाइव करती है, एल्फा की वैल्यू क्या करती है जीरो टू एल्फा टू फाइव बाई टू के लिए पॉइंट साइन एल्फा प्लस कोस, इसकी वैल्यू निकालनी है पॉइंट साइन अल्फा प्लस कोस बीटा।
देखो भाई, गिवन है कि साइन की पावर 4 है अल्फा, तो उसकी वैल्यू बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 साइन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करती है, यानी कि 0 टू π/2। 0 टू π/2 है, मान लिया जैसे जैसे मान लिया जैसे मान लिया ये अल्फा की वैल्यू 0 टू π/2, यानी साइन अगर अल्फा की वैल्यू 0 टू π/2 है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है 0, साइन π/2 की वैल्यू 0 टू 1 लाइक करती है। अल्फा की वैल्यू मिनिमम जो है 0 है, मैक्सिमम कितनी है 1 है, साइन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 0 टू 1। इसी तरह से अगर कॉस 0 है की वैल्यू 1 और कॉस π/2 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 टू 1, यानी कि जो अल्फा बीटा की, या यूँ कह सकता हूँ मैं, अल्फा बीटा की वैल्यू जो है मैक्सिमम और मिनिमम जो है 0 टू 1 लाइक करती है। 0 से 1, ये 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 0 टू 1 लाइक करती है। ठीक इसी तरह से तो इसमें वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू देखो किस तरह करते हैं, इसका मैं स्क्वायर बना लूँ किसी की तरह, इसका भी स्क्वायर बना लो और इसका भी स्क्वायर बना लो और इसका भी स्क्वायर बना लो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर इसमें जो है कोई कंडीशन हो जाएगी, इस कंडीशन में कब होगा तो उसकी जो है हम फिर जो है वैल्यू निकाल लें। यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगी, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। एक कर लेंगे घर से इसको, एक घर से कबाड़ सवाल करके लाना है, जैसे वाई एफेक्ट इक्वल टू एक सवाल क्वेश्चन के y इक्वल टू 4 cos x माइनस 3 फाइंड द रेंज, इसकी है y इक्वल टू 4x अपॉन माइनस 3, ये कोई फंक्शन है f x इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 4 cos x माइनस 3 फाइंड द रेंज। एक तो ये क्वेश्चन है ये वाला, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कितना है क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा। आंसर बताऊं, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2 और इसकी रेंज, रेंज का आंसर क्या आएगा, रेंज इसकी क्या होगी बताऊं, रेंज रेंज हो जाएगी इसकी माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1/7, माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1/7 यूनियन 1 टू इनफिनिटी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोनों, इनको घर से करके लाने हैं। एक तो इसमें जो है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है, एक क्वेश्चन है वो एफएक्स इक्वल टू 4 cos x - 3 1/4 cos x - 3 इसकी जो है रेंज निकालनी है, क्या फाइंड दी रेंज, इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/7 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और क्या आएगी इसकी 0 αβ π/2, यानी इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं, सॉरी, इसकी साइन अल्फा प्लस 4 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है,